कहा है कि मोला हेमलाल भैया ला देख के जो है ना पर्दा में तो फिर हंसी आते ही जनता मन ला, लेकिन हेमलाल भैया आप मन ला देखा था उन्होंने और हंसी नहीं रुक से कि गजब के कलाकार हो, हम ऐसे आजाद हो ऐसे आजाद हो। मैं अभी मंदरा जी भी देखे हूँ जी, तो का काम करे हो आप मन उमा लालू जी के, लेकिन धोखा दे दे बोला करेक्टर रही से वो बात अलग है जी। हर जन पगली के तोला का डायलॉग याद आते हैं हेमलाल भैया? मोहन जन पगली को डायलॉग बहुत फेमस हुए है जल दर्शक मोला आज के थे कि देखी बता मैं सिटी मार दूँ कैसा ना मन मन सिटी मार देते हैं। वाह सिटी सिटी का मैं पात तक को नहीं मारा ये डायलॉग मोर बहुत हिट हुए है, मगर बाद में ठीक है मैं सिटी मारूँ तोहर भर तो सिटी मार चल, ऐसे करके जो डायलॉग मोर बहुत हिट हुए है और सिटी पारे वाले है। और भैया कैसे लगते हैं हर जन पगली में? हर जन पगली में ये लगते हैं कि मोर जो जो 35 साल के मोर कलाकारी की जो सफ़र है 35-36 साल के लगभग मेरे लोकमंच कलाकार हूँ हिंदी रंगमंच कलाकार हूँ और लगभग 100 से ज़्यादा फिल्म छोटे बड़े फिल्म कट रहे में मोला ये मोर सफ़र के मोर यात्रा के मोर मेहनत के मोर प्रतिफल मिल गए मोर इनाम मिल गए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दुर्ग मिलता हूँ आज अतका दिन तक मोला कौन नहीं जाने पूरे दुर्ग शहर है और आज ये फिल्म लेके पूरा दुर्ग शहर जानते हैं और दुर्ग के एक एक नागरिक मन मोला अभी सम्मान करी सो दिन योगा क्लास में एरोबिक क्लास में सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ। ये मोर पर बहुत बड़े पुरस्कार है, अब एक से बड़े पुरस्कार मोला जरूरत नहीं है मतलब बड़े पुरस्कार बोला रहो मैं बीच में टोक दे हूँ आप जी 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 अलग बता रहे हो आप जी जी ये फिल्म में हर जन पगली के हाँ जन पगली के मोला डायलॉग बहुत सारा याद नहीं रहा है, लेकिन मोले एक चीज़ बता मोले याद आते थोड़ा थोड़ा कि ये तो ओकर जो हीरोइन के भाई है ओकर बिल्कुल एकदम परछाई बरबर संगे संग रंग थे और रोज के ओकर घर के दागू मन जाते आप मन देखे हो बोला तो मैं कि ये तोर सारा जो है ना एकदम मणि में एकदम नांग बरबर बैठ गए हैं, अरे यार कर कुछ तो करेल पड़ी ऐसे कर। ये डायलॉग मोर बहुत सारा डायलॉग है और भुला गए आप देखो तब आप लोग मोर डायलॉग सुने पर आप लोग फिल्म देखने लगी बहुत अच्छा है। अभी तो टिकट नहीं मिला था भैया 50 दिन हो गया पड़ा उखर बाद में भी टिकट नहीं मिला था हेमलाल भैया कई घाव देखा है कई जन तो ये आपके मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि फिल्म में आदमी 5 घाव 6 घाव जाते टिकट नहीं मिले, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ थे और वो फिर प्रयास करते 6वां बार 7वां बार मिल देख के फिल्म देख के निकलते और कहते देख मैं 6 बार प्रयास करें नहीं मिली 7वां बार में फिल्म देख के आऊँ भाई तो ऐसे की थे वो ये अच्छा लगते हैं हेमलाल भैया कैसे कॉमेडी बड़ा मुश्किल जोनर है जी 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 बहुत कठिन है कालो काकरोला हंसाए पर कैसे कर पाते हो अमन कैसे कुछ गाइड करो हमन मन भी कहा है कॉमेडी शो करने वाला है अमन मन में। मैं हाँ बचपना से बहुत बदमाश रहे हूँ ककड़ू अच्छा। नकल करो माई लोगों मन के नकल करो और मैं आप लोग एक बात बताना चाहता हूँ कि दाऊ मंदरे जी घलोपुर फिल्म लगे हैं तो मैं महिला जो पात्र है हमारे छत्तीसगढ़ में वो मोर बहुत फेवरेट पात्र है बहुत फेवरेट पात्र है बोले स्टेज में मैं करता हूँ जिकर नाम से लोगन जानते हैं लोग बहुत फेवरेट पात्र है और कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है एक डायलॉग डिलीवरी थ्रो होते और एक कुछ कुछ जेक्चर पोस्चर होते बॉडी लैंग्वेज के तो वो सब चीज़ से धीरे धीरे मैं सीखे और एक मोर मैं गुरु जी आज प्रणाम करता हूँ जगह दम में यहाँ पे हूँ श्री श्री कुमार दीपक जी जो छत्तीसगढ़ के पहली फिल्म में कलाकार हैं और आज ओकरे आशीर्वाद से वही देख देख के सीखे हूँ और मैं कमलनाथ स्वर्गीय कमलनाथ सिन्हा जी जो कचरा बोदरा मैं दे मैं लेनरी से मोर आदर्श से जब मैं पहली बार सोना अभियान में गया तो कमलनाथ सिन्हा जी देखे हूँ तो देखे हूँ तो देखते रह गए बोला और वो पूरा मोर आत्मसात कर लें मोर आत्मा में समा गए जो उन कमलनाथ सिन्हा देखे हैं और जब मैं प्रस्तुति करता हूँ महिला पात्र के तो कहते थे कमलनाथ सिन्हा बरबर करते यार कहते मोल बहुत गर्व महसूस होते और शुक्र कमलनाथ भैया के जो कॉपी कर रहा था का डायलॉग वाला कुछ कोई सुरता आते का मन वो कर सबसे फेवरेट डायलॉग मैं बताता हूँ जब भैया जब मंच में महिला बन के निकले तो कैसे स्टार्टिंग करे वह जो निकले वह तो इतनी जगह पकड़ देखा वो माइक में जावे और वो पहली शब्द रहा है हेलो हेलो एक हेलो दो हेलो तीन और चार घा हेलो रात भर हेलो बेरक पंग पंग आतले हेलो जो जन भर हेलो सोसन भर हेलो
हेलो माय टेटिंग हेलो, ये भैया के बहुत अच्छा प्रस्तुति रहा है। ऐसे प्रस्तुति रही की हमन मन तो देख के अभी भी याद आते है जी। बोला मतलब आप मन जो करत हो जी जी जी, वैसे हंसी याद है कि ऐसे स्वाभाविक नेचुरल आर्टिस्ट जी 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 हेमलाल भैया हवे जी। का कहबो और जनता और सतीश जैन के जैन भर का कहबो आप मन सतीश भैया का। मैं पहले तो हमारे बड़े भैया स्वर्गीय आशीष चंद्र जी ला श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ। और मैं हाँ एक बात बताता हूँ, वो हमारे फिल्मी बाप जरूर रहे लेकिन मोर बड़े भाई बरोबरी से और हर कलाकार के बड़े भाई बरोबरी से वो हमला सिखावे इधर डलाक ऐसे बोल इले ऐसे कर ऐसे गोठिया, तो हम बहुत कुछ सीखे आशीष भैया थे। और मैं हाँ भैया कोनो मर हुई हम मोला देखत हुई हम सब ला देखत हुई और वो 50 दिन मनात हुई कोनो मर हुई मनात हुई वह तो वो तो आज देव रूप हो गए। मैं वाला श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशीष भी एक पूरा परिवार ला ये दुख ला सहे के भगवान शक्ति देवे। लेकिन हम पूरा परिवार आशीष भी एक पूरा परिवार ये 50 दिन के सेलिब्रेट करे पर मनाए हैं। और मैं सतीश भी मैं घुलन घुलन के पाँव परत हूँ कि मोर जैसे छोटे से घर के कलाकार छोटे परिवार के कलाकार छोटे से शहर के कलाकार ला आज उनका आशीर्वाद मिलिस तो पूरा छत्तीसगढ़ मुल जाना थे। मैं सतीश भैया मैं ये जन्म में मैं आपका ऋणी हूँ और जीवन भर आपके कर्जेदार हूँ। मैं आप लोग बहुत 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 प्रणाम करता हूँ आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन समय दे हो अमन मन के आमन के बाद में अभिषेक मूवीज में वो साथ में दिनेश साहू भी है ओला भी धन्यवाद। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। जय जोहार जय।